हाँ, अभी जो हमारे यहाँ कई चरणों का अभी जो काउंटिंग है वो बची हुई है। निश्चित रूप से हम लोग थोड़ा पीछे हैं, पर हमको उम्मीद है कि जैसे जैसे चरण बढ़ते जाएगा हम लोग कवर करेंगे इसको। हाँ, जो बड़ा विधानसभा है जैसे कसडोल है, बिलाईगढ़ है, वहाँ हम लोग लीड पे हैं। जयपुर का काउंटिंग ख़त्म हो गया, वहाँ पे हम लोगों ने लीड किया है। एक दो विधानसभा है जहाँ पे ज़्यादा हम लोग माइनस हैं, एक जांजगीर चांपा और अकलतरा, और थोड़ा बहुत सख्ती है तीसरे नंबर पे। तो क्या लगता है, क्या कुछ कहते काउंटिंग बची है, तो जब तक पूरी काउंटिंग नहीं हो जाती तो कुछ कहना अभी गलत होगा। नहीं, हमारे तो नेताओं ने बार बार शिकायत किया है चुनाव आयोग को, आपको जानते ही हो कि ये लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ी करेंगे इसमें। तो मेरे को लगता है निश्चित रूप से इन लोगों ने कहीं ना कहीं मैनेज किया है। क्या कमियां क्या रह गई थी? कमियां कुछ नहीं रही सर, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने ईमानदारी से काम किया है पूरे लोकसभा में, और मेरे ख्याल से पूरे भारत देश की जो कांग्रेस के लोग हैं वो लोगों ने अपने पार्टी को जो झूठ फरेब की जो सरकार है, नए नए लोग सपने दिखाते हैं कि हम लोग 90 दिन में महंगाई कम कर देंगे, राम मंदिर बनाएंगे वहीं पर, तारीख भी नहीं बताते हैं, और किसानों को दुगला हम लोग उनका फसल का वो देंगे, तो पिछले 5 साल में तो इन लोग किया नहीं है, फिर भी भारत देश की जनता ऐसी ऐसा परिणाम, आश्चर्यजनक जनक परिणाम है ये। सर आपको नहीं लगा पीछे चलता? अब समीक्षा करेंगे इसमें, मेरे ख्याल से पार्टी के बड़े नेता हैं, वो सब समीक्षा करेंगे कि कहाँ क्या कमी रह गई है। अभी बोलना उचित नहीं है, हम पार्टी के बड़े नेता डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे कमी रही, इस बात को ध्यान में रख के वो समीक्षा करेंगे।